थैंक यू सो मच शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपने उनको आज पे ब्लेस करने का हुक्म हुआ है। मेरे को और मेरे परिवार को जो गुरु जी के ब्लेसिंग्स मिली हैं, मैं उसका बखान करना चाहता हूं और उसका बखान करने को मेरे को आदेश हुआ है। गुरु जी हमेशा ये कहा करते थे, शॉर्ट इज सुना विच एक्चुअली मेंट दैट डोंट बीट अबाउट द बुश, गो सच सुनाओ। और जो हम सत्संग कहते हैं मतलब ये है, जो हमारे साथ में जो भी गुरु जी ने ब्लेसिंग किए हैं मेरे परिवार के साथ में, उसका सत बखान करना है। 2004 के बिगनिंग में मुझे गुरु जी के पास उनके शरण में जाने का मौका मिला। एक्चुअली 2004 जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरे पास में एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई मेरी। हम लोग उस टाइम भोपाल रहा करते थे। तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में एक पैरामीटर होता है PSA, दैट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विच इज मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ द प्रोस्टेट gland, which is only in the males. और उसका एक मार्कर होता है कि हेल्दी प्रोस्टेट का जो एक PSA लेवल है वो 0-4 होना चाहिए। जैसे शुगर का लेवल जो है अप टू 100 होना चाहिए, ऐसे PSA लेवल जो है 0-4 होना चाहिए। जब मैंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी तो आई वॉज शॉक टू ऑब्जर्व दैट द PSA लेवल PSA level was almost 30 times more at 117. हम लोग एकदम शॉक हो गए, और क्योंकि हम लोग भोपाल में काफी अरसे से रहा करते थे तो काफी सीनियर डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स थे। I immediately consulted a friend of mine who happened to be dean of surgery at the medical college there. And he directed me to a uro-oncologist. And I showed him my report. So he asked me, आपने टेस्ट किसके कहने पे कराया है? मैंने कहा, मेरे एल्डेस्ट ब्रदर हैं, विदेश में रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर एक ब्रदर को है तो दूसरे ब्रदर को भी हो सकती है, तो एहतियात के तौर पे आप दूसरे ब्रदर भी इसका टेस्ट करा लें। बोले, आपके ब्रदर कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, मेरे ब्रदर अमेरिका में रहते हैं। बोले, अमेरिका चले जाइए, लेकिन आपको जाने का कुछ फायदा नहीं होगा, योर पोजीशन इज वेरी वेरी बैड, आप तुरंत दिल्ली चले जाइए और अपना इलाज शुरू कर दीजिए, एंड यू आर मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। आई हैड नो प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड माइनर प्रॉब्लम जैसे किसी उस एज में होती है, एट द एज ऑफ 54 और सो। And I had taken the test because my brother had suggested me to take that test. We were in a state of shock immediately. हम लोग पहली गाड़ी से भोपाल से दिल्ली आए, और दिल्ली में आके हमें गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट चालू हो गए। अल्ट्रासाउंड हुआ, MRI हुआ, बायोप्सी हुई, और बायोप्सी होने के बाद में कंफर्म हो गया कि I was suffering from cancer of prostate in very advanced stage. We were shocked. गंगाराम से हम लोग जान बचान निकाल के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गए, वहां चेकअप कराया एम्स में, जो वहां से हम लोग जो है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए। एंड आई टुक अपॉइंटमेंट विद सम डॉक्टर्स एट बॉम्बे एंड आई वेंट टू बॉम्बे फॉर ए डे। वहां भी मैंने चेकअप कराया एंड एवरीवेयर आई वाज गिवन ए वेरी नेगेटिव पिक्चर। सो केम बैक फ्रॉम बॉम्बे एंड राजीव गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा एक प्रोसीजर के लिए हमने ओके कर दिया, और प्री ऑपरेटिव जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी करा लिए। फैमिली ने जहां भी हो सकता था, जो भी मंदिर हैं, द्वारे हैं, सब जगह मत्था टेकाया, मेरे को ले गए।
और सत्यनाथ सिंह को आशीर्वाद दिलाया, बट इवन इन स्टेट ऑफ शॉक एब्सोल्युटली टर्मोइल जैसे लाइफ में आ जाता है. इन द मीन टाइम माय ब्रदर ला मेरे वाइफ के ब्रदर जनरल मल्होत्रा, उन्होंने बोला कि आप गुरु जी के पास में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा. उस टाइम ही वाज अ ब्रिगेडियर. आई हैड इन फैक्ट हैड द प्लेजर ऑफ हैविंग दर्शन ऑफ गुरु जी एट हिज डॉटर्स मैरिज ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, बट आई नेवर न्यू दैट आई विल बी गोइंग टू हिज दरबार टू सीक हिज ब्लेसिंग्स. So in that state of turmoil, I went to Guruji's darbar. और पहली बार मेरे को लाइफ के अंदर उस टाइम पे जबकि we were all in a state of shock, I felt at peace, I felt comfortable. जैसे मैं एम्पायर स्टेट में मैं छोटे मंदिर में एंटर किया, the entire atmosphere, the divinity, the power, the vibrations, it engulfed me. The absolute self-imposed discipline, pin drop silence, Guruji's divine presence was something which really, gave me a lot of comfort and calmness to my mind. And I think I felt that I have arrived at the right place. I was guided के कैसे गुरुजी के मत्था टेकना है, उसके बाद में लंगर प्रसाद करना है, चाय प्रसाद लेना है, लंगर प्रसाद करना है. और लंगर प्रसाद करके उसके बाद में मैं मेरे को बुलाया गया, गुरुजी ने आज्ञा दी, एंड ही आस्क्ड मी क्या हुआ है. सो आई एक्सप्लेन टू हिम माई प्रॉब्लम. इसे अगले हफ्ते आना और साथ में एक तांबे का लोटा लेके आना. You see, the entire divinity of that place in Guruji's august presence, his divine presence, his spiritual power, jo bhi kah lijiye, it was so enormous that I forgot to go to the hospital for that procedure for which I had signed a week earlier. Ek baat main maafi chahunga baar baar is kehne ka ki hum jab kehte hain satsang hota hai to hum apna jo रियल एक्सपीरियंस है उसको सच की तरह पेश करते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं होती है, वो टाइम नहीं, हम वक्त या डेट थोड़ा बहुत भूल जाते हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है. तो उसके लिए वो जिसे माफी चाहता हूं मैं, बट व्हाट एवर आई एम सेइंग इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय ब्लेसिंग्स दैट गुरुजी हैड गिवन मी. सो नेक्स्ट वीक वी came to Guruji's darbar, हाजिर हुए, वो तांबे का लोटा लेके आए, गुरुजी ने ब्लेस किया और संगत में से किसी ने मेरे को बताया भी किस तरह से उसको मेंटेन करना, कैसे उसको यूज करना, कैसे उसको साफ रखना है, सुच्चा रखना है. और जो वो सर्जरी थी मैं उसके बारे में भूल ही गया. इनफैक्ट आई वॉज इंडिकेटेड समथिंग डिफरेंट. I went to Bombay for radiation therapy, and if I had taken the surgery, the quality of life and the probably the consequences may have been bad rather. And as a result, जो मेरा PSA 117 था वो एक साल के अंदर less than 1 हो गए. छह गुरुजी. It was only because of Guruji's blessings. I'll come to that later on as to how I can say that. It's only because of Guruji's blessing, because anybody who saw my reports, including my own family member, my wife's brother, who is an oncologist, radio oncologist in England, and he also was very disturbed to see my reports. So in period of 1 year time, my PSA level came down from 117 to almost 1 or so. But when the problems come, they come in galore. Come in abundance. While I was getting this treatment done, मेरा ये जब ट्रीटमेंट हो रही थी आना शुरू हुआ था गुरु जी के यहाँ, तो एक दिन गुरु जी ने
आंटी के ब्रदर को जनन मल्होत्रा को बताया कि तेरी बहन भी कल्याण की लोड़ है एंड शी इज नेग्लेक्टिंग हर हेल्थ बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड दैट इज माय हेल्थ एंड माय इलनेस सो एट दैट एज जनरली लेडीज हैव सम माइनर गायनी प्रॉब्लम्स एंड शी वाज हैविंग दोस प्रॉब्लम्स बट वी नेवर न्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन सो वी वेंट बैक टू भोपाल फ्रॉम दिल्ली एंड got her checked up and her gynae suggested that she should undergo a biopsy. The implications of biopsy are pretty wide, but by this time we had developed confidence. Hamir pata hai ki mek darbar mil gaya, Guru ji ka sahara hai. To hum log biopsy karwane ke pehle ek din jo hai Guru ji ke darbar mein aaye. और उनसे गुहार की कि नेक्स्ट डे इनकी आंटी की बायोप्सी है तो मेक इट शॉर्ट गुरु जी ने आंटी को ब्लेस किया एंड एज अ रिजल्ट और बायोप्सी विच वॉज कंडक्टेड ऑन द फॉलोइंग डे वॉज नेगेटिव सो दिस इज वेरी इजी टू से दैट वो बायोप्सी नेगेटिव निकली But actually, it was not the case. It's only because of Guruji's blessings that she could survive that problem and her biopsy was negative. I'm saying so because now I'm jumping the timeline. But 2007 के end में या 2008 के beginning में मैं और मेरा एक friend एक ज्योतिष के पास में गए. मेरे friend ने मेरे साथ में मिलके एक बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करनी चाहिए थी एंड ही वांटेड टू सी दैट एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हमारे घर के पास में रहते हैं बट आई नेवर कंसल्टेड हिम बिकॉज गुरु जी ने जनरली वो ज्योतिष के बारे में इंकरेज नहीं करते थे बट बिकॉज माई फ्रेंड वॉज टू बी माई पार्टनर तो आई हैव टू रिस्पेक्ट हिज सेंटीमेंट्स एंड सिंपल वे भी कौन सा अच्छा दिन है हम लोग जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं एंड उस पंडित जी को मेरा फ्रेंड जानता था तो हम उसके उनके पास में गए और मैं अपनी जन्म पत्री ले गए वो अपनी जन्म पत्री ले गए और हमने पंडित जी को दिखाई और उनसे बोला कि बताइए हमारे पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए सुटेबल डेट क्या होगी बट सडनली दैट पंडित जी आस्क्ड मी ही सेड डू यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन आई सेड गो अहेड आपसे सवाल पूछे मैंने कहा बोले आपके वाइफ आपके साथ में है मैंने कहा बोले आपके पति के हिसाब से आपकी वाइफ आपके साथ में नहीं होनी चाहिए आई वॉज स्ट्रक लाइक ए लाइटनिंग जैसा होता है किसी को ऊपर बिजली गिरती वैसे मेरे को महसूस हुआ और देन आई रियलाइज एज टू व्हाट वाज द ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी ऑन माई वाइफ कि उनकी वजह से ही जो है वो जो उनका जो बायोप्सी है तो 3 साल पहले जो कराई थी वो नेगेटिव निकली वो क्या है कि महापुरुष हमेशा आपको चताया करते हैं कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड डोंट थिंक दैट हर बायोप्सी वाज नेगेटिव बिकॉज इट वाज प्रॉब्लम वाज नॉट देयर बिकॉज वो जो पार्टनरशिप मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में होनी थी दैट नेवर टुक ऑफ हालांकि हम लोग गए तो थे कि पार्टनरशिप की सूटेबल डेट निकालने के लिए बट फॉर सम रीजन आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन वो पार्टनरशिप कभी हुई नहीं और उस मीटिंग का उस जो पंडित जी के साथ में कंसल्टेशन का मकसद यही था कि गुरु जी हमको चेताना चाहते थे कि लुक आई हैव ब्लेस्ड योर वाइफ एंड बिकॉज ऑफ माई ब्लेसिंग्स ओनली डोंट फॉरगेट दैट दैट शी इज देयर एंड शी इज with you and she has been killed. So going back to the timeline जब मेरी problem solve हो गई आंटी की biopsy जो है वो negative निकली और हम लोग गुरु जी के दरबार में ऐसे जुड़ गए कि पहले फुर्सत में हम लोग भोपाल से दिल्ली आना किसी न किसी कारण से तो पहले गुरु जी के पास में जाना और हम लोग जैसे बच्चे होते हैं ना अपने parents के पास में जाते हैं we got so much अटैच टू गोइंग टू गुरु जी दरबार कि हम बस वहीं जाया करते थे और हमें अच्छा लगता था
लंगर करना, उसके बाद में जो है कई बार हम छुप के बैठ जाया करते थे, गुरु जी हमको आज्ञा नहीं दे, बट ही न्यू कौन कहाँ पर है, चलो चलो बुबालो वाला चलो. समटाइम्स ही वुड मेक अस सिट टिल लेट बिकॉज ही न्यू किसको क्या ब्लेसिंग चाहिए, वो कब चाहिए, किस वक्त चाहिए. मेनी अ टाइम्स आई वुड एंटर गुरु जी दरबार विद वेरी लो एनर्जी लेवल्स बिकॉज ऑफ माई ट्रीटमेंट, बट व्हेन आई एग्जिटेड गुरु जी दरबार आफ्टर His blessings after the divine prasad, the langar, chai prasad, jo bhi hai, aur jo shabad kirtan hai. Uske baad mein, I was like a thousand watt bulb. I always say that because I used to be full of recharged energy. Ek din Guru ji ne mere se pucha, kitne kaam karna? Basically, I am an IITian. I was working in a company as a general manager. So I blurted out something because हमारे पे इतनी हिम्मत नहीं होती थी, तीन दिन हाँ मिल गई है, मैंने भी कुछ कह दिया था, हम बस गुरु जी जब देखते रहते थे लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की. आफ्टर कपल ऑफ मीटिंग जैसे टू छट गया ना, तो फॉर मी इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट डिसीजन बिकॉज एक तरफ तो आई हैड जस्ट बीन डायग्नोज वेरी सीरियस एलमेंट, आई हैड नॉट रिकवर्ड फुली एज सच, एंड फ्रेंकली आई हैड नॉट हैड what is called as the complete surrender of faith in Guruji and to absolute surrender to jo Guruji kahe main waise kar lu. So again I pardon ke wo timeline yaad nahi rehti hai, to maine Guruji se kaha bas Guruji pe thoda time reh gaya, I will achieve the age of 58 on in the month of November 2006, tab tak main continue karun. He said yes, go ahead. पर बीच बीच में मेरे को वो चिताया करते तो छट देता है. आई रिकॉल वन फाइन डे आई वॉज टेकिंग लीव ऑफ गुरु जी और हम लोग लंगर के बाद में आगे लेने के लिए जब मेरा नंबर आया था मैंने उनके पहुंच हुए, गुरु जी सडनली सेड अगली बार आई हो तो अपना सीवी लेके आई हो. पता सीवी क्यों होता, चंदा बना के लेके आई हो, लल्लू पंजू नहीं, सीवी लेके आई हो. गुरुजी टू स्पीक वेरी चेस्ट पंजाबी, मैं थोड़ी गल ज्यादा समझ नहीं आई, बट लेटर ऑन आई अंडरस्टूड व्हाट ही मेंट एंड आई वाज सरप्राइज्ड. सो आई थॉट लाइक ए फूल पुटिंग टू एंड टू टुगेदर दैट एक तरफ गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि तू नौकरी छोड़ दे, ऑन द अदर हैंड ही वाज ऑर्डरिंग मी टू मेक माई सीवी. इनफैक्ट आई वॉज वर्किंग माई प्रीवियस जॉब एट दैट टाइम for very long time. I never had the opportunity of making a CV of my own. I used to get a lot of CVs, but I never made a CV except once or twice long back. So, I had a lot of courage and help to make a CV. And after that, we came to Delhi. I had a CD form in the CD and I had it made and Guruji pushed it. And hoping that today, not tomorrow, Guruji will आज्ञा देनी है. बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह कोई आते हैं या इंडस्ट्रियस आते हैं तो मेरे को वो जॉब ऑफर करते हैं, बट दैट वाज नॉट द केस. दैट वाज माय सिंपल थिंकिंग. आई हैव नो आइडिया अबाउट गुरुजी'स ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑन मी, बट टाइम एंड अगेन गुरुजी आस्क्ड मी तो छोड़ता है ना. कम 2006 November, when the time from my retirement came, मैं भोपाल से दिल्ली आया, मैं और मेरी वाइफ की आंटी जो है, और दिल्ली से हम लोग कलकत्ता नेक्स्ट डे जाने वाले थे. तो आगे गुरु जी के मैंने दर्शन किए एंड दैट डे अगेन गुरु जी आस्क्ड मी. आई रिकॉल वेरी क्लियरली गुरु जी कई बार ना लंगर के बाद में जो है सैर करके आया करते थे और बड़े इनफॉर्मल वे में जो है नीचे कार्पेट पे बैठ जाया करते थे. And he would talk to people in a very informal way or talk to somebody or whatever he chose to talk. So, उस दिन गुरु जी नीचे बैठे हुए थे और साथ में मेनका गांधी बैठी हुई थी. So, when I bent down to take his leave, he said, तो छटका नाम नहीं, बस गुरु जी मैं कल सवेरे जा रहे हैं कलकत्ता, मैं अपना हिसाब करने जा रहा हूं, तुम कहो तो मैं एक्सटेंशन ले लूं. नहीं तो दिल्ली आना है.
मैंने बस गुरु जी मैं दिल्ली आ जाऊँ, मैं दिल्ली एक्सटेंशन दे दें, एक साल भी दे दें, मैं ले लूँ. सो ही मैं वर्चुअली डिसमिस मी, दिस फूल डज नॉट रियलाइज बट गुरु की आज्ञा माननी चाहिए. सो ही गेव मी परमिशन बट वेरी रिलक्टेंटली एंड ही वाज़न्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो हम लोग, मैं नेक्स्ट डे दिल्ली गया और आई टुक लीव ऑफ माई एम्प्लॉयर्स. I sought extension for 1 year which they gave me. हम लोग भोपाल से दिल्ली आए, दिल्ली आके I started to get settled, got my house done up again. पर एक यहाँ पे फ्लैट था दिल्ली में, इसको मैंने ठीक ठाक कराया. और 2007 31 मई को गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया. And that's how I 2007 November also that extension of mine expired. So I was to be out of job after 2007 November. और तभी से मैंने जो है अपना एक जॉब के लिए कोशिश कर रहा था और अपने क्लास फ्रेंड के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में जो मैंने पहले बताया कि एक कंसल्टेंसी फर्म एक कंपनी चालू करने के लिए बात करी थी. तो वो जो मैंने सीडी भी जो गुरुजी ने मेरे को कही थी वो मैंने 2-3 जगह पे सबमिट कर दी. लेकिन पहला प्लान यही था कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करेंगे और उसके लिए टेट निकलवाने के लिए हम पंडित जी के पास गए. 2007 एंड और 2008 बिगनिंग वेरी फर्स्ट वीक में भी गुरुजी ने आंटी को ड्रीम में दर्शन दिए कि गुरु जी एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और एक जैन ड्रेस में है. एंड शी टोल्ड मी इन द मॉर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आई कैन रिकॉल मच एक्सेप्ट दैट बस इतना ही दिमाग में आया कि गुरु जी एक जैन ड्रेस में बैठे हुए हैं एक पहाड़ी के ऊपर है. और कुछ दिनों बाद में ऑन द डे ऑफ लोहड़ी, द ऑस्पिशियस डे ऑफ लोहड़ी, मेरे पास में कॉल आती है एक बड़े सीनियर पर्सन की फ्रॉम अनदर कंपनी. शाम को 8 बजे के आसपास ही कॉल मी सेड क्या कर रहे हो आजकल. आई न्यू हिम वेरी वेल बिकॉज आई वाज सीनियर इन अदर कंपनी एंड वी यूज्ड टू मीट एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन कॉज ऑफ द इंडस्ट्री. ऐसे नहीं बस अपना एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इसे नहीं मेरे को आके मिलो आप. नेक्स्ट डे आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे एंड बॉम्बे से मैं जो एक जगह है जलगांव वहां गया. आई मेट हिम एंड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी फाइनलाइज डील दैट ही ऑफर्ड मी अ जॉब विच आई कुड नेवर इमेजिन आई वुड गेट पोस्ट रिटायरमेंट एंड लेटर अपॉइंटमेंट वॉज इश्यूड. The following day, I was taken to the establishment of that company. Boss ने बोला अपने HR head से कि उनको सब दिखा के आओ कि हम लोग क्या करते हैं. जब मैं वहां पे गया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि गुरु जी मेरे लिए क्या क्या प्लान किया, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे थे. उस कंपनी का नाम है जैन इरीगेशन. वो जहां पे वो एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली आई वाज स्टेइंग देयर लाइक बिफोर बट आई हैड नॉट रियलाइज्ड दैट दैट हैपेंस टू बी ऑन अ हिल. सो नाउ यू स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम बिगनिंग. 2004 आई कम टू गुरुजी शरण इन अ वेरी सीरियस स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ माय कैंसर ऑफ प्रोस्टेट. आई गेट क्योर्ड. माय वाइफ माय आंटी शी इज आल्सो क्योर्ड एंड दैट टू गुरुजी had forewarned us, foretold us, blessed her, her biopsy was negative. हम तो इसी काम के लिए गए थे लेकिन गुरु जी ने टाइम टू टाइम मेरे को बताते रहे, मेरे को गाइड करते रहे, तू ये नौकरी छोड़ दे, अपना सीवी लेके आओ, तू छोड़ देती है नौकरी. He kept on prompting me, virtually coaxing me. I was a fool not to have taken his instructions, his orders seriously. But when the time came, even though Guruji was not in his physical chola, 2008,
I got that job as a senior vice president in that company. And Sangeeti, I'm very pleased to tell you that even today at the age of 72, almost 73, I'm working in the same company. And I am enjoying the new phase of my professional career, which gave me so much of comfort. It gave me moral support, psychological support, what all you can say, because for any person who comes through that state of mind that he was suffering from cancer, it's very difficult to get rehabilitated. एक माइंडसेट में बैठ जाता है, हमेशा वो बंदा सोचता रहता है कि मेरे साथ में क्या होगा, मेरा क्या होगा. In fact, just to tell you the seriousness of the situation, in 2007, me and my wife, we had gone to London. उनके जो ब्रदर हैं, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, वो लेस्टर में रहते हैं. मैं उनके पास में गया और उनसे मिला. He had helped me a great deal. He's a very nice soul, very nice person he is. He helped me a lot. He held my hand all the while I was undergoing the treatment. So I have a lot of faith in him. So I asked him, Subhash, just tell me, how long am I going to live? My treatment started in 2004 and I'm talking about 2007. So he was an expert in this field. He in fact had called a friend of his from Sri Lanka who happened to be a specialist in this field. So I said, let me know, I got to plan my life, I got family ahead, my children and all that. So mere ko plan karna hai. He said, Sundar, by law of probability and statistics, you are doing fine. 2007, he said that, I am doing fine by the law of probability. Which meant that I was doing better than most people in my stage. So imagine almost 13, 14 years back, that was the case. And now I'm doing well. I got that job. I got rehabilitated in every possible way, morally, psychologically, professionally. I achieved new heights. Financially, of course, I got a reasonably a good, I would say damn good package. But overall, it became a new phase in my life, which was exclusively pressed by Guruji. 2010, the CD which I had sent to one of the companies, consultancy company, they called me that we have a project in Ethiopia for 7 months. Do you want to go there as a team leader, a senior position? I didn't want to let it go. I also didn't want to leave my job at Jain Irrigation. So I asked my boss. He said, yes, go ahead. After kaam to aapne wahi karna hai jo aap yahan kar rahe ho. So with his kind permission, I went to, me and my wife, we went to Ethiopia for 7 months, 6 months, at least staying 1 month again back home. And it was a new phase in my life. I learned a great deal to work in a foreign environment. Those of you already have worked, you know, this is a very professional kind of an atmosphere. Obviously, you're earning in dollars, you're having a very nice experience. That was something which wo jo city guruji ne kahi thi wo bas usi kaam mein aa gayi aur naukri waise hi mil gayi thi. So at the end of my 7 months training, my boss called me ki kab aap India aa rahe ho. रास्ते में आते आते जो है आप दुबई में रुक के एक ट्रेनिंग कर लेते. सो नाउ दैट्स हाउ माय एंटायर प्रोफेशनल कैरियर 2.0 गुरुजी ब्लेसिंग ओनली स्टार्टेड एंड आई एम स्टिल वर्किंग. आई नेवर हैड सो मच ऑफ एक्सपोजर, द नेम, फेम, व्हाट ऑल. आई एम गिविंग कंपैरेटिव सेंस, आई एम नॉट अ बिग शॉट in any sense, but compared to my previous job and the new job, it did give me a certain amount of professional satisfaction, recognition also. So I went to Ethiopia. That opened the door for me to work in Africa and some other countries, and I became a kind of an expert on
irrigation and water management and agriculture and energy in Africa. So I got regularly, I am consulted, I was being consulted by many people. Even now also, a lot of people want to consult me. And all this is because of Guruji's blessings. मैं तो जब गुरुजी के पास में आया था हम लोग तो बिल्कुल टूट गए थे. जो है 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ. आई हैड नेवर रियलाइज्ड एंड इमेजिन्ड दैट आई वुड सर्वाइव फॉर दैट लॉन्ग एंड आई लिव दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो संदीप जी, ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स आई जस्ट डोंट नो हाउ आई डिजर्व दैट, बट हाउ इट जस्ट माय जर्नी स्टार्ट्स in 2004 in a very dismal stage, and phase by phase I lead. Had I been not pushed out of that job by Guruji, I would have probably been working in the same company, post-retirement mundane job at the mercy of the old employers maybe, or some other routine job here and there, trying to make both ends meet. This is something which Guruji blessed me. He blessed me enormously. His blessings are infinite. Every day in our life, we experience His presence. Guruji manifests His divine presence in many forms. Shukrana Guruji, bahut bahut shukrana. Aapne mere ko, mere parivar ko. So actually, Antikari ke ab jo thoda bahut apne dusre wale jo Guruji ne blessings ki hai, uske baare mein bataye. गुरुजी कहा करते थे जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है. और एक चीज और कहा करते थे कि जहां पे मेडिकल साइंस फेल होती है वहां पे मेरा काम चालू होता है. और दैट इज व्हाई व्हेन यू कम टू माय दरबार, अपने ईगो, अपने इप्स एंड बट्स जो है वो सब जूतों के साथ में बाहर छोड़ के आया करो. Let me come in absolute surrender. And I think there's one unique thing about Guruji's darbar, that nothing was expected from you. All he expected and demanded from me, or expected from me, I can't find the right word, is surrender, to have faith in him. And se niche karke aao aur unke darbar mein jo hai shiddat mein aao, unke upar faith rakho. मुझे याद है शुरू से मुझे 2004 में गुरु जी के दरबार में जाया करते थे तो हम देखते थे कि वो बड़ा अच्छा लंगर प्रसाद मिलता है, चार लोग एक प्लेट में खाते हैं, विच वाज यूनिक एक्सपीरियंस फॉर अस. और साथ में फिर अच्छी मिठाई का पीस मिलता था, एक या दो जैसे भी, जनरल देयर वाज वन नाइस पीस ऑफ स्वीट देयर. सो एक दिन हमने बड़े सोच के हमने हिम्मत करी और सोचा कि हम क्यों ना थोड़ी सी मिठाई ले जाए मंदिर के लिए. याद नहीं कितने डब्बे थे, हमने मेंटली कैलकुलेट किया और 7 डब्बे या 11 डब्बे लेके हम लोग लड्डू के और एम्पायर स्टेट पहुंचे. और किचन थी वहां पे हम लोग देने वाले थे, तो हमको वो डांट पड़ी जो इंचार्ज थे, बोले इस दरबार के अंदर जब तक आपको कोई आज्ञा नहीं हो आप कुछ भी नहीं ला सकते. डोंट ब्रिंग एनीथिंग, डोंट गिव एनीथिंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड अनलेस यू आर आस्क्ड. तो उसी दिन से फिर एक और अच्छा लगा भी. बाकी जगह तो आप चाहते हो तो पहले चढ़ावा चढ़ता है, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे वो रखो, दुनिया भर के काम. सो वो एक बड़ी अच्छी चीज लगी हमको, एंड दैट रिइंफोर्स्ड माय कॉन्फिडेंस एंड माय फेथ इन गुरुजी एंड गुरुजी के दरबार. ऐसे हुआ कि 2015 में आई हैड सम माइनर हार्ट इश्यूज. Probably individual or two, maybe, I don't know, it was psychological. But sometime in the middle of the night, I would get up and feel very uncomfortable. So doctor ko dikhaya, usne bola ek Holter test kara lo. The Holter is a device which is attached to your body for 24 hours. It monitors the functions of your cardiological parameters. 24 hours. उसको बाद में एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका हार्ट दिन भर वो ठीक काम किया कि नहीं किया. क्योंकि 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ईसीजी करनी होती है, दैट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द रियल कंडीशन ऑफ द हार्ट. द होल्टर टेस्ट इज फॉर 24 आवर ईसीजी. तो मेरा वो
ईसीजी मतलब होल्डर टेस्ट कराया, रिजल्ट आए तो रिजल्ट ठीक थे, बट मेरे को वो एक शक शुबा था जो है कि मेरे नॉट समथिंग इज नॉट गुड विद मी। 2003 जनवरी अराउंड दैट टाइम याद नहीं आ रहा क्या डेट थी जो है, probably February most likely, I was in Vedanta hospital because my brother-in-law had undergone a open heart surgery there. ऐसे ही सोचा मैंने कि why shouldn't I go and see Dr. Trehan there, the famous world famous cardiologist, और मैंने Dr. Trehan के साथ में गुरु जी का सत्संग भी किया हुआ था, गुरु जी का वो दरबार में आया था, मत्था टेकते थे दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, और एक बार गुरु जी ने मेरे को आज्ञा दी तो मैंने अपना सत्संग जो है डॉक्टर तेहान के साथ में शेयर भी किया था। आई वेंट अप टू डॉक्टर तेहान एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सजेस्टेड दैट आई शुड अंडरगो ए इकोकार्डियो टेस्ट और समथिंग, आई एम सॉरी आई डोंट रिकॉल दैट। सो आई वेंट डाउन टू देयर लैब एंड आई गॉट माई सेल्फ, आई पेड द मनी and they started the process, it's like an ECG or something, but midway they stopped, they said no you got certain calcium deposits on your heart, to iske results nahi aa payenge aur aapko ye test karne ka koi fayda nahi hoga, so they sent me back to Dr. Trehan with the report that ye test nahi ho sakta, so Dr. Trehan said theek hai aap apna एडमिट हो जाइए और आपके हमें जो ग्राफी कर देते हैं नेसेसरी है जो प्लास्टिक कर देंगे, अगर आपके कोई स्टंट वगैरह डालना हो वो डाल देंगे, तो इट्स अ रूटीन थिंग ऑलमोस्ट फैशनेबल टू हैव सम काइंड ऑफ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और सो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज एक्सपेंसिव एंड देन एक्सपेंसिव टू मेंटेन, यू हैव अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन योर बॉडी फॉर योर लाइफ टाइम एंड यू गॉट टू कीप ऑन टेकिंग मेडिसिन, but I had no option but to go in for that. तो उसकी पूरी प्लानिंग कर ली है, जो कुछ टेस्ट वेस्ट कराने होते हैं वो सोच रहे थे कि एक दिन आंटी सेट एक सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं, जैसे नॉर्मली होता है कि लोग सोचते हैं सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं, बट किससे कहां पर लें, किससे ओपिनियन ले जाए, देन आंटी सेट यस के उनकी एक फ्रेंड है उनके हस्बैंड को भी ये प्रॉब्लम थी, तो वो मेदांता में गए और उन्होंने चेकअप कराया तो उनको बताया कि आपके भी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, कोई सर्जरी होगी या एंजियोग्राफी होगी, आई डोंट रिकॉल नो, बट ही ऑल्सो मेट द डॉक्टर देयर एंड दे वर शोन कि आपको ये पैकेज है, मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेज ये है, ये सूट है और ये वाला बड़ा कमरा है, सो They came back to Guruji and उन्होंने गुरुजी से परमिशन मांगी कि हमको इनको जो इनके हस्बैंड को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए कहा गया है। That time Guruji had said, as we are told, कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होनी है, एस्कॉर्ट्स में डॉक्टर अशोक है उनके पास, डॉक्टर सेठ है उनके पास जाओ, उनसे अपना इलाज करो, this is what we have been told, so I took this as a cue, I took this as a instruction from Guruji ki humko rasta dikha rahe hain, jo mere mann mein doubt tha kisko hum dikhaye jo hai, agar maan lijiye second opinion lena hai to kisko le kisse le, to hum log jo hai escorts mein gaye, Dr. Ashok said se appointment thi, badi mushkil se unse dikhaya, he saw my reports, he said koi aisa dikhta nahi aapko koi problem ho, तो एक थैलियम टेस्ट है आप वो करा लीजिए, दैट्स ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट, तो इंजेक्ट ए रेडियो आइसोटोप इन योर बॉडी एंड देयर आफ्टर आफ्टर सम टाइम इट्स लाइक ए स्ट्रेस टेस्ट व्हिच इज डन एंड दैट मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट एंड दैट इंडिकेट्स कि हार्ट ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आई वाज वेरी हैप्पी, हमने वो थैलियम टेस्ट कराया, उसमें भी कुछ नहीं निकला कंक्लूसिव, इट वाज सपोज्ड टू बी माई हार्ट सपोज टू वर्किंग ऑल राइट, तो डॉक्टर सेड कीप ऑन टेकिंग दीज मेडिसिन ऑन द साइड एज ए प्रिकॉशनरी मेजर एंड लाइफ लॉन्ग इसको लेते रहिए मेडिसिन को, और दो साल के बाद में आपको थैलियम टेस्ट चाहे तो दोबारा करा लीजिए,
फिर मैंने 2 साल के बाद में कराया, फिर उसके 2 साल बाद में कराया, तभी तक मैंने 3 बार थैलियम टेस्ट कराए हैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर एंड एवरी टाइम इट हैज कम ट्रू, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो व्हाई आई एम सेइंग दैट कि कई बार हम लोग जो है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वी हैव बीन टोल्ड नॉट टू शेयर अबाउट मेडिकल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज विद अदर्स, बट दरबार में आके जब गुरु जी हमको आज्ञा देते थे कि चल अपना सत्संग सुना, और जो सत्संग करता है उसका कल्याण होता है, जो सुनता है उसका कल्याण होता है, तो जब किसी ने बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ में ये इश्यू आया, दैट केम टू अस, और हमने उस वो रास्ता अख्तियार किया, हमने उसको गुरु जी की आज्ञा मान के, एक इंडिकेशन मान के, सो आई डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जो भी है, एंड आई वट एवर फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई नो डेफिनेटली 2014 टू 21 ऑलमोस्ट इज 7 years। सो सिमिलरली एक बार जब भोपाल में थे और मेरा जो ट्रीटमेंट चल रही थी, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, सो वी कंसल्टेड ए डॉक्टर देयर हु हैपन्ड टू बी फैमिली फ्रेंड, सर आप आ जाइए कोलोनोस्कोपी कर देते हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। सो सिंस ही हैपन्ड टू बी ए फैमिली फ्रेंड, आंटी को डॉक्टर ने अपने चैम्बर में बिठाया और मेरी कोलोनोस्कोपी हो रही थी, आई वॉज हाउलिंग इन पेन, एंड आफ्टर द कोलोनोस्कोपी डॉक्टर बोला मेरे चैम्बर में बैठिए, मैं अभी चेक करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ, लगता तो है कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने एंटर्ड द डॉक्टर्स चैम्बर देयर, जनरली इन दैट काइंड ऑफ ए क्लिनिक डॉक्टर्स चैम्बर यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्मेल्स ऑफ स्पिरिट एंड वेरियस मेडिसिंस टिंचर्स मिक्स्ड। शी वाज प्रेइंग फॉर मी, शी वाज इन डीप प्रेयर एंड शी सेड गुरु जी कि यहाँ पे प्रेग्नेंस आ रही है एंड यू शुड बी ऑल राइट, आपका गुरु जी कल्याण कर रहे हैं, एंड दिस द फर्स्ट टाइम वी had, I mean, she felt and I also felt Guruji's fragrance outside the Chhota Mandir, anywhere in Bhopal. And after some time, the doctor came and he said, no, it's all right, you have minor problems, but nothing very serious. And you take this medicine and it should be all right. So the life is full of blessings. Each day is a day which starts new. हम खाली बस शुक्राना करते हैं गुरु जी का। और जो भोपाल से हम लोग शिफ्ट हुए, आई वॉज लीडिंग ए वेरी गुड सोशल लाइफ देयर, यहाँ पे आए तो सोचा क्या करेंगे, दोस्त वोस्त तो खास नहीं थे, तो वहाँ काफी अरसे वहां पे रहे भोपाल में। सो यहाँ पर आए तो जब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया तो ये सत्संग के जो है चालू हो गए जगह जगह पर गुरु जी के, हमने भी जो है जगह जाके गुरु जी के सत्संग अटेंड करने, बड़े मंदिर जाना हर हफ्ते जो है कोशिश होती थी कि जाएं और वहां बैठे, और अपने यहाँ भी हम लोगों ने गुरु जी का सत्संग करने का बड़े वेरी स्मॉल वे स्टार्ट किया, और ओवर द इयर्स इट बिकेम ए लार्जर ग्रुप, मोर लाइक ए ग्रुप ऑफ 50-60 पीपल, 15-20 फैमिलीज वर वेरी क्लोज, and we hold Guruji's, I mean here the Guruji holds his satsang at our place on the last Tuesday of every month, aur ek parivar sa ban gaya, dost mil gaye ek dusre ki khair khabar karne ke liye, khair khabar lene ke liye jo hai, aur jo hum logo ko ek life mein chahiye hota hai, a quality of life jo hai wo hum logo ko mil gayi। So in every respect, every possible way the life has become complete, that's all we can say, and Rana Guruji problems har ek aadmi life mein aati hain, choti moti problems aati hain, magar ye hota hai ki ab ek bharosa ho gaya hai ki ha Guruji hain, he is taking care of us, and if we get something is his blessings, hamare ghar mein agar ek rumal bhi aata hai to wo bhi hum Guruji ki blessings mante hain, gaadi bhi aati to hum पहले जाके हमें फिर गुरु जी के दरबार में हमारे घर में एक मंदिर बना छोटा सा, वहीं जाके पहले हम पेश करते हैं, शुक्राना करते हैं।
because every day of our life is just blessings and nothing else. So that's all I can say. And now Punamandi will like to take over from here. Bahut bahut shukrana Guruji. Do we have time, sir? Oh. Hello? Yes, sir. Do we have more time? जी बिल्कुल, आप सत्संग शुरू कर सकते हैं। जी जी अंकल, आप और सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो आंटी अपना सत्संग जो है, क्योंकि मैंने जो उनके ब्लेसिंग्स के बारे में जो उनकी जो प्रॉब्लम थी बड़ा ब्रीफ में बताया, शी वुड लाइक टू नरेट हर ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दरबार में बैठ के आज सत्संग करने के लिए ये आज्ञा ऐसे आई है, जैसे झोली में कहते ना ब्लेसिंग्स गुरु जी की आके पेटल्स मेरे हाथ में आ गई। तो बहुत बहुत दिनों से मेरे मन में एक जैसे फीलिंग थी कि बड़े मंदिर के दर्शन हो, और 1.5 साल से 2 साल से हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। तो आज ये सामने दरबार देख कैसे लग रहा है कि मैं दरबार में बैठ गई हूँ और गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं और बस सत्संग कर रहे हैं। जैसे हम जब गुरु जी चोले में थे ऐसे ही बैठ के हम सत्संग करते थे, गुरु जी के उठा देते थे तो सत्संग कर देते थे। मगर उस टाइम पे जब गुरु जी के सामने, जब गुरु जी की आज्ञा होती थी तो शब्द नहीं निकलता था मुंह से, या उनका ऑरा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सामने बैठना वो इतना पावरफुल था कि अपना आप को हम भूल जाते थे। मतलब हम कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ हमारे अंदर इतनी कोई शक्ति नहीं थी कि हम कुछ बोल सके। आज हम बोल सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं गुरु जी को, हर तरफ देख रहे हैं और गुरु जी हमें हर तरह से सुन रहे हैं, हमारे भाव तक सुन रहे हैं, हमारी सोच को वो चला रहे हैं, तो वो हमें हमसे बुलवा भी रहे। सो शुक्राना गुरु जी, सत्संग करवाने का भी शुक्राना। गुरु जी ने इतनी इतनी इमेंस, एक छोटी वर्ड है बट इतनी इतनी हमारे ऊपर कृपा करी है कि एक एक दिन एक एक पल हमारा शुक्राना का है। जो हम श्वास लेते हैं उनका, उसका भी शुक्राना। अंकल ने अपने सत्संग में बताया कि इस तरह मेरी जैसे ब्लेसिंग्स करी, वो अपने तरीके से उन्होंने बताया। बट जब गुरुजी ने मेरे को सत्संग करने बोला मंदिर में आके, मेरे से सत्संग करवाया, उस समय गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है वो मुझ पे बरस चुकी थी, हो चुकी थी। सो सत्संग करने से पहले, एक हफ्ता पहले, गुरुजी ने एक दिन जैसे हम आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर भाभी से पूछा कि आज तेरी ननान कहाँ जा रही है। ननान मीन्स मैं, कहाँ पर जा रहे हैं। बिकॉज हम बाहर से आते थे तो इधर ससुराल में रहते थे या दिल्ली में आके अपनी फैमिली थी, अपने घर थे, तो जहां भी होता था हम लोग वहां रुक जाते थे, जहां इजी होता था वहां से मंदिर जाने के लिए। तो गुरुजी ने पूछा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ वापस। तो जैसे हाथ जोड़ के हम लोग सब खड़े थे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने जैसे उनसे बताने की जगह हमने जी गुरुजी बोला कि आप आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी ने इमीडिएटली बोला कि आज इसको अपने घर ले जाओ, लाइक मेरे ब्रदर भाभी से बोला कि इनको अपने घर ले जाओ, आज दिखाना कि ऐसे किस तरह ब्लेसिंग होंगी है, ए मैं करना, जो ब्लेसिंग्स होंगी है ना, ए मैं करना, और ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। सो ऐसा गुरु जी का आदेश हुआ, हम लोग से नीचे करके खड़े थे, हाथ जोड़े गुरु जी से आज्ञा ली। रात के कोई 2:30-3 बजे होंगे तो हम लोग घर पहुंचे विद इन 15 मिनट्स। जैसे गुरु जी गाड़ी चलाते हैं घर पहुंचाने के लिए, तो फिर हवा से बातें करती है गाड़ी। घर पहुंच गए, चेंज वेंज करके जैसे लेटे, तो उसमें लकीली हमें समझ नहीं आया कि इतना
क्योंकि नया नए हम लोग थे, इतना हमारी सोच या समझ इतनी नहीं थी कि हमें ऐसा एक स्पेशल रूम में लेके गए वहां पे, जहाँ पे सुलाया गया उनके घर में। नॉर्मली गेस्ट रूम में होता है कि कोई भी आया तो गेस्ट रूम में सुलाते हैं, मगर उन्होंने उस दिन स्पेशल बेडरूम में सुलाया हमें, जो अपने बेडरूम में। हम भी थोड़ा सा हैरान थे, बट रात के साढ़े तीन बज गए थे तो जाके सो गए, और सोए ही थे बल्कि अभी बेड पे लेटे ही थे, तो गुरुजी के उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम आज्ञा लेके आए थे, गुरुजी के दर्शन स्टार्ट हुए। गुरुजी आके मेरे मस्तक पे खड़े हो गए, बिल्कुल छोटे से, जिसमें आपने छोटे से पेंडेंट पहने होंगे 1 इंच, जिसमें उससे भी छोटे शायद, वो मेरे मस्तक पे आके खड़े हो गए गुरुजी, और जैसे आप पलंग झपकते एक फ्लिक ऑफ अ सेकंड, 1 एंड 2 वैसे, और इतने में ही गुरुजी सामने आके बड़े होके खड़े हो गए। एंड देन उसी उन्हीं 2 पल के अंदर गुरुजी ने मेरे शरीर के ऊपर 2 एक्शन किए, जो मेरे को सब पता चल रहा था, ऐसे जैसे लाइव मेरे साथ कुछ हो रहा है, एक एक्शन और दूसरा एक्शन, और सामने गुरुजी खड़े। एंड थर्ड मेरा रिएक्शन क्या था कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि गुरुजी सामने खड़े हो और मेरा लोअर बॉडी, जो मेरा एब्डोमिन है, वो जल रहा है, जैसे उसके ऊपर किसी ने घाव के ऊपर सिर डालते वैसे किसी ने डाल दिया। अब मुझे लगा कि या तो मेरे साथ में जैसे फर्स्ट थॉट आती है कोई कुछ मिसहैप हो गया या क्या हो गया, मेरे को एकदम से ऐसी जलन क्यों हो रही है, बट सामने जैसे देखा और गुरुजी चले गए। एंड मैंने टर्न करके देखा तो अंकल सो रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है। देन ऑल ऑफ अ सडन जैसे एक सेंसेस आते हैं रात को कि मेरे साथ में ये ब्लेसिंग्स हुई, ऐसे में लाइक रिवर्स करता है आदमी अपनी सोच को, तो समझ आती है कि मेरे साथ हुआ क्या है। बट आई वॉज सो एक्साइटेड, रात को मेरा मतलब मन ना करे कि मैं अब सोऊं, जैसे से लगे कि बस अब जल्दी से सुबह हो और मैं अपना सत्संग सुनाऊं, क्योंकि ये सब तो देख ही रहे थे हम लोग, रोज ही आते थे तो देखते ही थे कि ऐसे गुरु जी ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। मगर सुबह उठ के हमें मना करा गया कि अभी कोई सत्संग नहीं करना। जब गुरु जी के पास पहुंचे, माथा टेका और गुरु जी बोले, हाँ फिर कैसी की हो या, चलो आओ एनाउंस सुनाओ। एक एल्डरली कपल वहां बैठे थे, क्योंकि पहले तो शर्म आ रही थी कि इतना पर्सनल बात कैसे करें जैसे किसी से, और फिर सामने गुरु जी बैठे हैं तो हम करें क्या करें, मतलब इतना कंफ्यूज माइंड हो गया सामने कि हमने करना क्या है। गुरु जी के चरणों में बैठ के और मैं गुरु जी का मुख देख रही हूँ कि बोलना क्या है मुझे, मेरे साथ में मतलब क्या बताऊं इनको, इतना पर्सनल चीज में कैसे बताऊं। तो वो जो एल्डरली कपल था वो साउथ से कहीं से आए थे और बड़े पुराने हमारे पहचान के लोग थे, तो उनको साथ सत्संग करने के लिए मैं कभी उनको देखूं और कभी गुरुजी को देखूं। पहला शब्द हुआ गुरुजी का के सत्संग करो, और दूसरा शब्द हुआ हां जी दसो ननु तड़े ना राते क्यों होया। अब फिर भी मेरा मुख नहीं खुले और मेरे को कुछ वर्ड्स मेरे मुंह में नहीं डले। अब गुरुजी की तरफ फिर से देखते हैं तो थर्ड टाइम गुरुजी ने बोला और पूरा सत्संग अपने मुख से किया कि रात को उन्होंने मेरी ब्लेसिंग्स कैसी की। जो अभी मैंने सत्संग किया ये सारा का सारा सत्संग गुरुजी ने 3 सेंटेंसेस में अपने मुख से करके और मेरे से बुलवाया, क्योंकि जो सेंटेंस गुरुजी बोल रहे थे वही सेंटेंस मैं उनको बोल रही थी, और वो सेंटेंस कंप्लीट थे तीनों, वो पूरे सत्संग के लिए कंप्लीट थे। जैसे गुरुजी बोलते ना शॉर्ट में सत्संग करो, वैसे ही गुरुजी ने सत्संग किया अपने मुख से और मैंने उनको सुना दिया, और फिर हाथ जोड़ दिए गुरुजी को, हाँ जी ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है और मैं करना। सो दिस वॉज एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेट ब्लेसिंग्स टू मी, मतलब इस तरह की ब्लेसिंग्स थी कि भगवान मेरी ब्लेसिंग करने करके और मेरे ही सत्संग को अपने मुख से गोल्डन वर्ड्स में बोल रहे हैं। तो ये अब सोचने में भी ऐसे बॉडी के अंदर ऐसी फीलिंग होती है जैसे गुरुजी मेरे रोम रोम में बसते हैं, रोम रोम में जैसे अपने शरीर के अंदर मेरे बसते हैं।
और ऐसा ही होता है. कुछ भी हमारे अंदर कोई भी समय या कोई भी जैसे कहते ना कमजोर घड़ी आने वाली होती है तो गुरुजी हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं. उससे पहले कि वो कोई घड़ी हम पे कोई असर कर सके या किसी तरह की हमें फीलिंग दे सके या कोई हमें बुरा कोई चीज आने वाली हो, गुरुजी आके पहले ही शील्ड बन जाते हैं. इतना गुरुजी का कृपा है हमारे, इतनी कृपा है उनकी कि वो हमारी तरफ देखते हैं, हमारा नाम लेते हैं, हमारे को याद रखते हैं. करोड़ों करोड़ों लोग होंगे या करोड़ों संगत होगी जिनके हर पल की वो खबर रखते हैं. तो इतना बड़ा हमारा रब जो आके हमारे सामने बैठे हैं, उनकी शब्दों की उनकी आज्ञा की अगर हमारी इतनी जरूरत हो जाए कि हम उसको ना सुन पाए तो हमारी भूल है. ये सबसे बड़ी हमारी भूल है. जो उनका आज्ञा जो उनकी आदेश है अगर उसको हम एक पल के लिए भी नहीं सोचते या नहीं समझते तो वो पल भी हमारे लिए बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है. तो गुरुजी हमें इतनी शक्ति देना कि आपकी आज्ञा का हम संपूर्णता पालन करें, पूरा 100% करें. क्योंकि ये सोच भी गुरुजी ही देंगे, ये काम करने की शक्ति भी हमें वो ही देंगे. जो वो आदेश देते हैं तो वो हमारे को आदेश को पूरा करने की भी शक्ति देते हैं साथ में. बस हमें विश्वास सरेंडर या उनके चरणों में बैठे रहना है या उनकी उनके जो आदेश है उनको पालन करना है, चाहे उनका पाठ करना है. क्योंकि पाठ जो होता है वो हमें शुद्ध करता रहता है और जब हमें वो शुद्ध करता है तो नेचुरली हमारा भांडा साफ होता है. एक दिन ऐसे ही गुरुजी सामने बैठे और बोल रहे थे कि ऐसे देखो संगत आंदी है, मैं हफ्ते की एक बार बोलना आन वास्ते मत्था टेकन. क्योंकि पहले तो हम जब भी आते थे चार दिन रहे तो चारों दिन आते थे और बाद में संगत को थोड़ा बोला गया कि हफ्ते में एक बार आए, बट हमारे लिए एक्सक्लूसिवली बता दिया गया था कि अगर महीने में दो बार या तीन बार आते हैं तो ठीक है, जितने दिन रहते हैं हमें आने दिया जाए. सो ये उनकी कृपा थी कि हमें जरूरत थी उनकी ब्लेसिंग्स की या उनके दर्शनों की, या हम उस चाह से आते थे कि हमें एक एक पल बस गुरु जी के साथ बिताना है. जो भी हमें समय मिले हमें उनके साथ बिताना है. सो इस कृपा को पाने के लिए हमने हमें जो उन्होंने ब्लेसिंग्स दी जो आज्ञा दी उसका भी पालन, उसकी भी मर्यादा है, उस चीज की भी मर्यादा है कि हमने उसका पालन किया, उसके ऊपर चले, उनके कहने पे चले, उनके कहने पे आगे भी चलते रहे. क्योंकि तो आज भी गुरु जी उसी तरह से ब्लेस करते हैं और आपसे बात करते हैं. बस बाकी इंद्रिया अपनी काम करनी अगर बंद करवाएं हम, अगर हमने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, हम अपने उड़ाने ऐसी बेपाक की उड़ाने ना उड़ाए तो गुरु जी के आज भी शब्द हमें सुनाई देते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे जाना है, ये तक बताते हैं. हमारे जैसे कहते हैं ना कारज करते हैं तो कारज भी हमारे करने के लिए हमें बताते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, वो रास्ता कैसे चूज करना है. कि जब हम गुरुजी से बात करते हैं या गुरुजी के सामने बैठ के बात करते हैं तो अरदास होती है उनसे कि हमें हर रास्ते पे सच्चे रास्ते पे चलाएं. कि गुरुजी को हम हल्के में कभी भी नहीं रखते क्योंकि उनका आदेश जो होता है वो हमारे भले के लिए, हमारी पूर्णता भले के लिए ही है. क्योंकि आगे अगर हमने उनके आदेश पालन करके नहीं चला तो आधे रास्ते में भटक जाते हैं. तो पूरे रास्ते कैसे पहुंच सकते हैं हम उनके पास, उनके चरणों तक कैसे पहुंच पाएंगे हम? ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे बड़े रब के पास बैठे हैं जो रब ऐसा कोई ना कभी धरती पे आया है और ना कभी आएगा.
ऐसे रब के पास बैठे हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, सदा अपने चरणों के साथ लगाए रखना, सदा अपनी कृपा हमारे पे बरसाए रखना। बहुत सत्संग है, बहुत ज्यादा सत्संग है हमारे जीवन में, उनकी कृपा के बहुत सत्संग है। सो जब जब आप चाहोगे, जब जब आप करवाना चाहोगे, हुक्म करें गुरु जी, और हम वहाँ पेश हो जाए और आपके सत्संग करें। बस उसी में ही हमारा हमारा जीवन बीते, बस यही कृपा हम चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।